जय हिंद साथियों। दोस्तों, यूपी पुलिस 26,000 की समथिंग में जो कांस्टेबल की भर्ती प्लस 8,400 के समथिंग में जो पीएससी की भर्ती आने वाली है, साल 2022 में आएगी या फिर 23 में आएगी, तो इसके बारे में थोड़ी सी मैं यहाँ पर आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया हूँ। देखिए, ये भर्ती दिसंबर में बिल्कुल भी नहीं आएगी, कोई चांस इसका दिसंबर में आने का नहीं है। साल 2023 में जनवरी वो माह है जिसमें ये आ सकती है। योगी सरकार नए साल पर आप लोगों को तोहफा एक दे सकती है इस भर्ती का। अब इसमें एज में रिलैक्सेशन मिलेगा नहीं मिलेगा, देखिए ये तो चांस बहुत कम है एज में रिलैक्सेशन मिलने के, बहुत कम चांस है। हालांकि ऐसा नहीं कि नहीं मिल सकता, लेकिन चांस कम है मतलब एज में रिलैक्सेशन मिलने के। 18 से 22 एज ली जाती है जनरल कैंडिडेट की। अगर 2 साल की भी छूट मिल जाती है तो भी बहुत रहेगा, क्योंकि 2018 से वैकेंसी नहीं आई है। तो अभी आप लोग ये मान के चलिएगा कि अभी इस साल ये वैकेंसी नहीं आएगी, इस साल खाली है ये साल इस भर्ती को लेकर। अगले साल, साल 2023 में जनवरी माह में कोई संभावना इस भर्ती को लेकर बनेगी, और 1 साल का जो टारगेट है उसी के अंदर इसे पूरा किया जाएगा। यानी जनवरी में आवेदन करा के दिसंबर 2023 तक इसे फाइनल किया जाएगा, जो कि सरकार का एक मेन टारगेट है। तो अभी कोई सूचना नहीं है, किसी की वीडियो आप लोगों को फालतू की देखनी नहीं है, ठीक है ना, कि ये भर्ती आ गई। कई सारी वीडियो पड़ी हुई है कि भर्ती आ गई, भर्ती आ गई। देखिए, जब भर्ती आएगी ना तो शोर शराबा नहीं, हंगामा होगा, हंगामा। अभी भर्ती कोई नहीं आई है कहीं पर भी, कांस्टेबल की भर्ती दूर दूर तक भी नहीं है दिसंबर के महीने में। तो ये यूपी में होता क्या है कि यूपी में जब भी कोई वैकेंसी पुलिस विभाग में आती है तो उसे लेकर जो सूचना है, उसे लेकर जो अफवाहें हैं, उसे लेकर जो यूट्यूब चैनल वाले हैं वो सबसे पहले सक्रिय हो जाते हैं, ठीक है ना। तो 15 दिन पहले कोई सूचना निकलती है, अभी कोई सूचना आई नहीं है, तो इस हिसाब से हम कह सकते हैं कि दिसंबर में ये खाली है। 15 दिसंबर तक कोई सूचना आ गई तब मान के चलिएगा कि ये भर्ती दिसंबर में आएगी, और चांस ना के बराबर है, बहुत कम चांस है कि दिसंबर में ये आएगी, ठीक है ना भैया। चलिए, जय हिंद।